दोस्तों, द मॉडल मिलियनेयर एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको एक आयरिश ऑथर ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था। फर्स्ट टाइम इसको एक न्यूज़पेपर द वर्ल्ड में जून 1887 में पब्लिश करवाया गया था, फिर 1891 में फिर से पब्लिश करवाया गया। ये स्टोरी एक यंग मैन की है, एक लड़का जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। वो बहुत ही गुड लुकिंग और चार्मिंग है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। ह्यूई एटकिन इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। जैसा मैंने आपको बताया, ये हैंडसम, चार्मिंग, पॉपुलर है, लेकिन बहुत ही अनलकी है फाइनेंशियल मैटर्स में। इसके फादर की डेथ हो गई, तो फादर के जाने के बाद इसको इसके फादर की विल में से कुछ भी नहीं मिला। बस कुछ बुक्स मिली पढ़ने के लिए, जो कि इसके कोई काम की नहीं थी, क्योंकि इसके फादर भी कुछ उसी टाइप के आदमी थे कि उनको बुक्स का शौक था, लेकिन वो बुक्स इसके कुछ काम की नहीं थी। बहुत सारे बिजनेस में इसने अपना हाथ आजमाया, लेकिन सब में ये फेल रहा। कोई भी जॉब इसके पास नहीं थी, बस एक ही सोर्स ऑफ इनकम था इसके पास में। इसकी एक एल्डरली आंट, वो इसको एक साल के 200 पाउंड्स देती थी, जिससे ये अपना खर्चा चलाता था। अब ऐसी हालत में इसको प्यार हो गया। कहते हैं कि हैंडसम चार्मिंग होना एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो तुम्हारा हैंडसम चार्मिंग होना कोई काम का नहीं है। दुनिया की नज़र में तो ऐसा ही होता है, और मॉडर्न सोसाइटी में तो ऐसा ही माना जाता है। तो उस यंग लेडी का नाम था लौरा। वो भी इसे बदले में बहुत प्यार करती थी, लेकिन लौरा का फादर कर्नल मार्टिन, वो भी इस लड़के को पसंद करता था, लेकिन एक फादर था तो ऐसे लड़के से तो शादी नहीं होने देगा अपनी बेटी की, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, आज का कल का कुछ पता ही नहीं है। तो वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी इस आदमी से हो, लेकिन उसने इस लड़के के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तुम 10,000 पाउंड कमा लाते हो, तो मैं लौरा के साथ तुम्हारी शादी के लिए राज़ी हो जाऊँगा। अब ये सोचने लगा कि 10,000 पाउंड तो बहुत बड़ी रकम है, इतनी कैसे कमाऊँगा। ये अपने एक आर्टिस्ट फ्रेंड के पास में जाता है, एलन, और वहाँ पर जाकर क्या देखता है, उस आर्टिस्ट फ्रेंड एलन के स्टूडियो में एक ओल्ड मैन बैठा था, जो कि एक भिखारी था। बाद में उसको पता चला कि एक भिखारी था, उसकी पेंटिंग बना रहा था ये एलन। उस भिखारी ने फटी पुरानी बरसाती पहन रखी थी, बूट्स पहने हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़ों को बहुत बार रफू किया गया है, उसके बाद में जाकर कपड़े इसके हाथ में आए हैं। उसके हाथ में चलने के लिए एक डंडा था, एक स्टिक थी उसके हाथ में, और दूसरे हाथ में उसने अपनी पुरानी सी टोपी को पकड़ रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो उससे ही भीख मांगता है टोपी से। उसके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स पड़े हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और एक्सट्रीमली सैड लग रहा था, बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था वो। अब ये आया था अपने दोस्त एलन से मिलने के लिए, तो एलन ने इससे पूछा कि ये कैसा सब्जेक्ट है मेरी पेंटिंग के लिए, मतलब वो पेंटिंग बना रहा है उसके लिए सब्जेक्ट है ये भिखारी। तो वो बोला बहुत ही एक्सेलेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत सैड लग रहा है, बहुत दुखी लग रहा है। वो इससे पूछता है कि कितने पैसों में इसको तैयार किया यहाँ पर बैठने के लिए। बोला मैं इसको 1 घंटा यहाँ पर बैठने के 1 शिलिंग दूंगा। तो बोलता है अच्छा। फिर वो एलन से वापस एक सवाल पूछता है कि अच्छा बता, ये पेंटिंग कितने में बेचेगा तू, ये जो इसकी पेंटिंग बना रहा कितने में बेचेगा। तो बोलता है यही कोई 2,000 गिनीज। तो उसको बुरा लगता है, ह्यूई को बुरा लगता है। वो बोलता है कि तू अपनी पेंटिंग इतने महंगे में बेचेगा, और उसकी जिसकी पेंटिंग बन रही है उसको अपने पैसे का इतना कम परसेंटेज देकर तू निपटा देगा, उसकी शक्ल तो देख, कितना उदास लग रहा है बेचारा, तो उससे ज़्यादा पैसों की उसे ज़रूरत है। एलन थोड़े टाइम के लिए वहाँ से जाता है, ह्यूई अपनी पॉकेट्स में पैसे चेक करता है, और उसको अपने पॉकेट में कुछ कॉइन्स मिलते हैं, और वो कॉइन्स उसने उस ओल्ड मैन, उस बैगर को दे दिए। इसका मतलब ये है कि उसे, वैसे ही उसके पास पैसे कम रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस महीने उसे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बहुत कम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वो कॉइन्स मिलने के बाद में वो बैगर थोड़ा सा खुश हुआ। इसके बाद ह्यूई वहाँ से चला गया। अब अगले दिन ह्यूई का दोस्त, उसका आर्टिस्ट फ्रेंड एलन,
उससे अगले दिन फिर मिलता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद वो बैगर तुम्हारे बारे में कुछ सवाल पूछ रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया उसको कि तुम किस तरह से लॉरा मार्टिन से शादी करने के लिए पैसे जमा कर रहे हो यह सब। तो यही बोलता है कि यार तूने मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में, मैं अनहैप्पी हूँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में उस बैगर को क्यों बताया। लेकिन इसके बाद एलन ने जो यूई को बताया उस चीज़ ने थोड़ा हैरान कर दिया यूई को कि वो ओल्ड मैन वो एक्चुअली कोई बैगर नहीं था, बैरन हाउसबर्ग था। मतलब कि यूरोप में कुछ बहुत ही अमीर लोगों में से एक, जो अक्सर एलन की पेंटिंग्स खरीदता है। और वही मिलियनेयर चाहता था कि उसकी पेंटिंग एक बैगर की तरह बने, और जो फटे पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे वो मैंने ही उसको दिए थे। ये बात सुनने के बाद में यूई को खुद पर बहुत शर्म आई कि मैंने अपने पैसे, जो मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक मिलियनेयर को दे दिए। तो एलन बोलता है चिंता मत करो, तो वो बोलता है क्या चिंता मत करो यार, वो पैसों की ज़रूरत उससे ज़्यादा मुझे थी। मैंने जिसको एक बैगर समझकर पैसे दे दिए वो तो एक मिलियनेयर निकला। अगले दिन उस मिलियनेयर के घर से एक एनवलप आया यूई के लिए, और उस एनवलप में लिखा हुआ था कि तुम्हारी वेडिंग का प्रेजेंट है फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, उस बूढ़े भिखारी की तरफ से। और उस एनवलप के अंदर सोचो क्या था, एक चेक था 10,000 पाउंड का। इसके बाद में यूई और लॉरा की शादी हो गई और वो मिलियनेयर भी इनकी शादी में आया। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।